जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, हम आपकी डिमांड पर लेके आए हैं, आप ये देख सकते हैं, टॉप फाइव बेस्ट एग्रीकल्चर हम बुक्स की आपके सामने बात करने वाले हैं, जो कि MPPAT ICAR या BHU के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो है पैटर्न पूरा चेंज हो गया, भले PAT का हो या ICAR का हो या BHU का, पूरा लेवल क्वेश्चन का चेंज हो गया है। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से मार्केट में बुक्स जो है पुरानी घिसी पिटी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनके बारे में लोग क्या है कि स्टूडेंट बहुत भ्रमित हैं। तो उन बुक्स सही और सटीक बुक्स की जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक्स की हम बात करेंगे कि कौन सी बुक्स जो है बेस्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी बुक बेस्ट है, थ्योरी के हिसाब से कौन सी बुक बेस्ट है, तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि बुक्स की जो है प्राइस, कौन सी बुक्स की कितनी प्राइस रहेगी, उसकी उपलब्धता मार्केट में क्या रहेगी, कहाँ पे अपने को वो जो है बुक उपलब्ध होगी, और ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट है, थ्योरी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, उसका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, तो उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, है ना, क्योंकि ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित या एग्रीकल्चर की डेली न्यूज़ या हॉर्टिकल्चर की जो है डेली न्यूज़ सबसे पहले आपको जो है एग्री जर्नी प्रोवाइड कराता है। तो आप हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाके फॉलो कर सकते हो। तो हम बात कर नंबर फाइव बुक की, तो नंबर फाइव पे सबसे बेस्ट और महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, जो कि आपके लेखक हैं या राइटर हैं नीरज प्रताप सिंह, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस बुक है, जो कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन बैंक जो है आपकी है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों। आपको सटीक जानकारी आपको एक एक वर्ड इंग्लिश मीडियम में दोस्तों आपकी जो बुक्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने को प्रोवाइड हो जाती है। आपको एक एक वर्ड मतलब ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, बहुत ईजीली और शॉर्टली तरीके में समझाया गया है इस बुक्स में, है ना। आपकी हॉर्टिकल्चर की बहुत फेमस बुक है इनकी, ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर बहुत ही फेमस बुक है ना। तो अगर हम इस बुक्स की जो है अगर बात करें हम प्राइस की, तो आप प्राइस जो है आपका इसके मिनिमम है 450 से 500 रुपये के बीच जो है इस बुक्स का आपका प्राइस रहेगा। हिंदी और इंग्लिश अपने को दोनों मीडियम में बुक्स एलिजिबल हो जाएगी। अगर आप विजिट करके देखें फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो अपने को आराम से बुक मिल जाएगी। और अगर आप जो शॉप से खरीदना चाहते हो, आप इंदौर में खजूरी बाजार में जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर चार पे आपकी जो बुक है वो आपकी है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे फेमस राइटर, इनकी बुक्स बहुत फेमस होती हैं थ्योरी के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, थ्योरी के लिए बहुत ही फेमस बुक है आपकी अरुण कात्यानी की, जो कि फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की है, बहुत ही फेमस है इनकी। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी इनका आपको बुक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। इनकी एक और बहुत फेमस बुक है कृषि विज्ञान के मूल तत्व, इनकी थ्योरी अगर आप एक बार रीडिंग करके देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि साक्षात अपने कोई प्रोफेसर समझा रहा है। बहुत ही सटीक और सही जानकारी जो है इस बुक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और हम बात करें बुक्स की इंग्लिश मीडियम को, तो इंग्लिश मीडियम में आपको जो है बुक्स प्रोवाइड हो जाएगी फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, तो सारे टॉपिक्स आपको जो है इसमें कवर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए इजीली इंग्लिश मीडियम में भी बुक्स प्रोवाइड होती हैं, तो आप जाके एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए आपको जरूर एक बार और कात्यानी बुक्स को जो है इसको विजिट करके आप एक बार जरूर देखिएगा बुक्स को। अगर हम बात करें बुक के प्राइस की, तो प्राइस आप ये देख सकते हैं 350 रुपये के आसपास इसका जो है मिनिमम प्राइस रहता है बुक्स का। थ्योरी और ऑब्जेक्टिव आपने को बुक्स दोनों में मिलती है, थ्योरी में मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगी, है ना। और ये बुक्स जो है जनरली आपको जो है इंदौर आप विजिट करके देखें खजूरी मार्केट में, तो अपने को जरूर प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। नंबर थर्ड की हम बात करें, तो नंबर थर्ड पर जो बुक है आपकी, ये बहुत ही फेमस बुक है, बट दोस्तों इसकी एक और कंपोनेंट आता है, जो कि कृषि विज्ञान करके आता है PAT एग्रीकल्चर, वो थोड़ी घिसा हुआ कंपोनेंट्स माना जाता है। ये बहुत ही न्यूएस्ट और लेटेस्ट वर्जन है आपका एग्रीकल्चर साइंस, है ना, क्योंकि पुष्पक कुमार कराहना जी ने बुक से लिखी है। इनकी इंग्लिश मीडियम में बुक्स बहुत फेमस है, यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर गाइड है इनकी, बहुत ही फेमस बुक है। और इंग्लिश मीडियम में सटीक थ्योरी और क्वेश्चन आपने को इसमें देखने को मिलेगा, थ्योरी के साथ साथ अपने क्वेश्चन भी इस बुक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं BSc एग्रीकल्चर प्रवेश परीक्षा के लिए, ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुक्स। देखो एग्रीकल्चर की मैं आपको बताऊँ, सारी बुक मतलब अगर देखा जाए टॉप फाइव बुक में सारी बुक बहुत बेस्ट है दोस्तों। एक अलग अलग बुक्स का अपना अपना लेवल है ना। अगर हम आपसे बात करें बुक्स की प्राइस की, तो बुक्स का जो प्राइस रहेगा वो मिनिमम 350 रुपये रहेगा, बहुत ही, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने को बुक्स प्रोवाइड हो जाएगी। अरिहंत की एक खास बात होती है बुक्स की, अपने को थ्योरी और क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। आप अरिहंत की सही और सटीक बुक से लीजिएगा, बाकी मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स भी अरिहंत की मिलती हैं जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। इसलिए आप सही और सटीक जानकारी करके बुक्स को जरूर लें।
नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो नंबर सेकंड पे सबसे फेमस साइंट जो है आपके लेखक माने जाते हैं एसआर कांटवा। इनकी बहुत फेमस बुक है भाई ऑब्जेक्टिव के मामले में। थ्योरी की मेरे को थ्योरी का पता नहीं है, बट अगर ऑब्जेक्टिव मैं आपसे बात करूं तो ऑब्जेक्टिव के मामले में बहुत ही फेमस बुक है आपकी एसआर कांटवा की। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एडिशन में अपने को बुक्स जो है प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड आप लोगों को मिल जाएगी मार्केट में। क्वेश्चन का अगर लेवल देखेंगे ना बहुत ही बेस्ट और सटीक क्वेश्चन का लेवल रहता है, जैसा कि अभी जो है लेटेस्ट एग्जाम में आ रहा है ना एग्जाम का कैसा घूम घूम के क्वेश्चन आया, उसी प्रकार से टाइप को अपने को ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हम प्राइस की हम बात करो 450 रुपये के आसपास इसका जो है बुक्स का प्राइस रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट पे जो आपकी बुक्स है वो आपको पता है एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुंडा, ये तो सबसे फेमस बुक है भाई सुंडा, मतलब इसका अलग ही लेवल है इस बुक्स का। आपको जो स्टूडेंट्स भी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा होगा ना उसने इस बुक्स के बारे में जरूर सुन रखा होगा सुंडा के बारे में, कि सुंडा कैसी बुक्स है। यह बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने को बुक्स मिलती है, बहुत ही फेमस बुक है भाई। अपने को जो है थ्योरी इतनी बेस्ट और सटीक दी हुई है इस बुक्स में थ्योरी, क्योंकि मैं खुद ने ये बुक पढ़ी है, बहुत ही बेस्ट बुक है भाई सुंडा। सुंडा जैसी मेरे को अभी तक कोई बुक नहीं लगी है ना। ये बहुत तरीके से इसको लिखा गया है बुक्स को, हर चीज़ का एक अलग ही तरीके से डिफाइन की गई है। बात करें अभी इंग्लिश मीडियम की तो आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में अपने को ये बुक्स मार्केट में एलिजिबल है, आप जाके इंग्लिश मीडियम में भी इस बुक्स को खरीद सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है। मैं सजेस्ट करूँगा आप जरूर से एक बार इस बुक को जो है पढ़ लीजिएगा, इसकी थ्योरी एक बार जरूर देख लीजिएगा, भले ही आप क्वेश्चन के लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी बुक्स खरीद लें, बस इसकी थ्योरी जो है थ्योरी का एक अलग ही लेवल है, ठीक है। तो एक इस बुक्स की जो अगर हम प्राइस की आपसे बात करें तो प्राइस जो आपका 270 या 250 रुपये के आसपास जो है इसका जो अपने को मार्केट में मिल जाएगी। और ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों में अपने को इसकी जो है साथ सुंडा की दोनों बुक्स मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अपने को ये बुक्स मिलती है, है ना। तो आप एक बार ज़रूर इस पर विजिट करके देखें, सारी बुक्स बेस्ट हैं एग्रीकल्चर की, कोई भी बुक्स कभी ख़राब नहीं होती आपको पता है, तो सारी बुक बेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।